महाराष्ट्र राज्य के राजस्व मंत्री और अहमदनगर के संरक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल बारिश के कारण खरीफ फसलों के नुकसान के कारण शिवगांव तालुका के दौरा करेंगे और किसानों से बातचीत भी करेंगे। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष प्रोफेसर किसान चौहान, जिला उपाध्यक्ष अरविंद सोंटके, शिवगांव तालुका अध्यक्ष प्यारे लाल भाई शेख, तालुका महिला अध्यक्ष संगीता ढवले के साथ कार्यकर्ता फसलों के पंचनामा की मांग को लेकर काले झंडे दिखाने जा रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के लिए स्वाभिमानी किसान संघ के दत्ता फुंडे और कम्युनिस्ट पार्टी के संजय नागरे की गिरफ्तारी से नाराज थे, जिन्होंने कहा कि गीला सूखा घोषित करने की कोई शर्त नहीं थी। इस दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।